इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है फैमी सेफ एप्लीकेशन ने, जो कि एक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। दूसरे मोबाइल में चल रही जितनी भी एप्लीकेशन है वो पहले मोबाइल में आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अब चलो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर को ओपन करना है, फैमी सेफ सर्च में लिखना है और सबसे पहली एप्लीकेशन आपको फैमी सेफ है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन करना है, अपना एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको पहले डिवाइस में एज अ पेरेंट क्लिक करना है। दूसरे फोन में जाकर के आपको सेम प्रोसेस करना है, पर किड वाले टैब को आपको सेलेक्ट करना है, उसको नेम देना है। और जब आप ये कर लोगे तो वापस से आपको पहले वाले डिवाइस में जाना है जो पेरेंट वाला है। और अब जब आप लॉगिन करोगे तो आप देखोगे जितनी भी एप्लीकेशन उस किड वाले डिवाइस में चल रही होगी वो आप पेरेंट के मोबाइल से मॉनिटर कर रहे हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, ट्राई जरूर करना। Redmi Note 7 लॉन्च होने वाला है 28 तारीख को, सब जानते हैं, पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है Redmi Note 7। अब जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे नई नई लीक्स आ रही हैं। अब नया लीक क्या आ रहा है, नया लीक आ रहा है कि अब Redmi Note 7 Pro भी Redmi Note 7 के साथ ही लॉन्च करेंगे। तो Redmi Note 7 Pro की लेटेस्ट लीक में 3 इमेजेस सामने आई है, जिसमे 2 ग्रेडियंट कलर है, एक प्लेन ब्लैक कलर का दिख रहा है पिक्चर में। Redmi Note 7 Pro के स्पेक्स की बात करें तो द मेन कैमरा इज अ डुअल शूटर, वन इज अ 48 मेगापिक्सल कैमरा पेयर्ड विद 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर। फ्रंट कैमरे की बात करें गाइस तो फ्रंट में एक्सपेक्टेड है 13 मेगापिक्सल कैमरा, HDR मोड भी फीचर हो सकता है। फ्रंट में हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी 1080p मिल जाएगी। डिस्प्ले की बात करें गाइस तो डिस्प्ले है 6.3 इंचेस का LCD फुल HD स्क्रीन, 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो, जिसके ऊपर OnePlus 6T जैसा वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा। प्रोटेक्शन की बात करें डिस्प्ले के ऊपर तो गोरिल्ला ग्लास 5 लग सकता है। एक बड़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी इसके प्रोसेसर में। इसमें जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 675, जो कि मैं समझता हूँ अभी तक किसी भी डिवाइस में इसमें अवेलेबल नहीं है। ये पहला फ़ोन होगा स्नैपड्रैगन 675 का। सेम केस Redmi Note 3 के साथ हुआ था, जब लॉन्च हुआ था वो स्नैपड्रैगन 650 के साथ। बैटरी की बात करेंगे इस तो बैटरी इसमें है 3900 mAh विद क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट, फास्ट चार्ज। एक अच्छी चीज ये है कि ये एंड्रॉयड 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, साथ ही में एडिशनल फीचर जैसे आयर ब्लास्टर टू कंट्रोल टीवी एंड AC, आयर ब्लास्टर मिल जाएगा आपको। लीक के अकॉर्डिंग तो रेड ब्लू ब्लैक कलर दिखा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये और भी कलर्स में अवेलेबल होगा। वेरियंट की बात करेंगे इस तो 4 और 6 GB वेरियंट में भी आ सकता है। प्राइस की बात करेंगे इस तो प्राइस इसका एक्सपेक्टेड है 15,000 rupees। सारी जो लीक्स हैं ये सब एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 90% चांसेस है गाइज ये स्पेक्स हो सकती है। और गाइज मैं जैसे फोन आता है मैं खरीदूंगा और इसमें जो जो अच्छी अच्छी एक्सेसरीज होंगी सबकी रिव्यू करने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे थे एक्सट्रीम टेक फोर्स। बाय बाय।